हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन के बारे में और उसका नाम है कोएक्सियल लाइन। यहाँ पर देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कोएक्सियल लाइन। सबसे पहले हम बता दें कि कोएक्सियल लाइन आप लोग कहाँ पर देखते हैं। आजकल केबल टीवी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है या डीटीएच यूज़ होता है, तो आप लोग देखते हो कि डीटीएच जो एंटेना होता है उससे टेलीविज़न तक आएगा। एक गोल वाला केबल होता है जिसके सेंटर में एक कंडक्टर होता है और बाहर में एक जालीनुमा कंडक्टर होता है जिसका हम लोग कनेक्शन करते हैं, उसी को कहते हैं कोएक्सियल लाइन। तो ये डीटीएच में केबल टीवी में इस्तेमाल होता है और ये एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन है क्योंकि इसका यूज जो है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर हम लोग करते हैं। आप लोग को बता दें कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड जो होता है ये टोटल 1 गीगाहर्ट्ज़ से आपका शुरू हो जाएगा और ये करीब करीब 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जाएगा। माइक्रोवेव एप्लीकेशंस अगर बात की जाए तो माइक्रोवेव एप्लीकेशंस आपका जनरल हो गया, रडार हो गया, जैसे सैटेलाइट ट्रांसमिशन हो गया और आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ये सब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है। तो माइक्रोवेव में हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज कि किस तरह से कोएक्सियल लाइन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देखिए कि कोएक्सियल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सेंटर कंडक्टर होता है। ये मान लीजिए इसके सेंटर में एक कंडक्टर होगा और उसके ऊपर जो है फिर प्लास्टिक होगा, डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा, और उसके ऊपर एक मेशनुमा जालीनुमा कंडक्टर होता है, एक शील्डिंग ये जालीनुमा कंडक्टर होगा जो कि आउटर कंडक्टर का काम करेगा। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ये जब हम लोग किसी भी वायर को जब पूरा प्लास्टिक से कवरिंग इंसुलेशन जब कर देते हैं तो फिर वो केबल बन जाता है। तो इसी एक कोएक्सियल केबल का देखिए यहाँ पर एक कट डायग्राम दिखाया गया है जो छोटे से टुकड़े का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक सेंटर में पार्ट है, ये प्लास्टिक वाला पार्ट होगा और ये सेंटर कंडक्टर है जो मेन कंडक्टर होता है, और फिर ये गोल जो है ये जो भीतर में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली प्लास्टिक का होता है और ये डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, और इसके ऊपर एक मेशनुमा जालीनुमा जो आप लोग देख रहे हैं इस तरह का आउटर कंडक्टर इस पर एक तरह से लपेटा हुआ रहता है, ये आउटर कंडक्टर का काम करेगा, और इसके बाद इसका आउटर केसिंग होता है। पूरा आउटर केसिंग और पैकिंग होने के बाद इस तरह के ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कहते हैं केबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा कि सबसे पहले हमने देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, और माइक्रोवेव में हम बता दें कि ये टोटल बैंड तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कोएक्सियल लाइन के अपने लिमिटेशंस हैं, इसको पूरे बैंड के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 18 गीगाहर्ट्ज़ तक ज़रूर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो 18 गीगाहर्ट्ज़ और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होते हैं तो वहाँ पर हम लोग दूसरे तरह के ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो आप लोग को अगले लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑलवेज ऑपरेटेड इन अनबैलेंस्ड मोड। अनबैलेंस्ड मोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में देखिए पहले यूज़ होता था, उसको कहते हैं पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि सिर्फ दो ही कंडक्टर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टेलीफोन के लैंडलाइन का केबल देखते काला होता है वो, और दोनों कंडक्टर उसमें एक ही साथ जो है वो एम्बेडेड होता है, ठीक है। उसी को हम लोग पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन करते हैं, और नहीं तो फिर देखे होंगे आप लोगों ने टेलीविज़न जो हम लोग एंटेना से देखते थे तो उसमें चपटा वाला तार यूज़ करते थे, चपटा वाला केबल यूज़ करते थे जिसमें कि दोनों साइड में दो कंडक्टर होता था और वो डाइलेक्ट्रिक में वो मोल्डेड होता था, उसको एंटेना से टेलीविज़न में जोड़ते थे, वही है पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहते हैं कि इन दोनों का सेपरेशन है, फिजिकल सेपरेशन है, तो इनको अर्थ के साथ कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है, ठीक है ना, इसको अर्थ के साथ कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है। तो सपोज कर लीजिए कि ये दो कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, मान के चलिए कि ये दो कंडक्टर है, यहाँ पर देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है दो कंडक्टर, और इसमें एक कंडक्टर डाला हुआ है, इसमें एक कंडक्टर डाला हुआ प्लास्टिक से मोल्डेड है, और इसमें क्या होगा कि इसको भी ग्राउंड से कैपेसिटेंस मिलेगा और इसको भी ग्राउंड से कैपेसिटेंस मिलेगा, क्योंकि इसके भीतर में देखिए क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना, भीतर में कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है, फिर ग्राउंड है, ग्राउंड को कंडक्टर की तरह देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में चूंकि कैपेसिटिव इफेक्ट है इसीलिए इसको कहते हैं बैलेंस्ड लाइन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड लाइन। तो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन जो होता है ये बैलेंस्ड लाइन होता है क्योंकि इसके दोनों कंडक्टर को अर्थ के रिस्पेक्ट में कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है,
और उसी तरह से अगर हम लोग कोएक्सियल केबल देखें तो कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि आपका जो ये सेंटर वाला कंडक्टर है और एक जो है बाहर में कंडक्टर था, ये वाला जो हमने पहले बताया था, सपोज कर ले प्लास्टिक डाइलेक्ट्रिक वाला बना रहे हैं इस तरह से, और इस पर जो ये कंडक्टर चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटर वाले कंडक्टर को आउटर कंडक्टर से मिल रहा है, सेंटर वाला जो कंडक्टर है इसको कैपेसिटेंस किससे मिल रहा है, आउटर कंडक्टर से, और आउटर में जो ये कंडक्टर आपने लगाया हुआ है इसको जो कैपेसिटेंस मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, ग्राउंड से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सेंटर वाला कंडक्टर चूँकि किससे घिरा हुआ है, तो पहले जोड़िए, ये सेंटर कंडक्टर है, फिर डाइलेक्ट्रिक है और फिर ये कंडक्टर है, तो दो कंडक्टर हो गया, बीच में डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो देखिए सेंटर कंडक्टर है, ये बाहर वाला कंडक्टर है और बीच में डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो कैसा इफेक्ट होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट होगा। और आउटर कंडक्टर को ग्राउंड के साथ क्या मिलेगा, कैपेसिटिव इफेक्ट मिलेगा, तो इसीलिए इसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कंडक्टर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है, ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोगों ने देखा, तो हम लोग दोनों में तुलना कर सकते हैं। इस तरह के पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल लो फ्रीक्वेंसी पर होता है और कोएक्सियल लाइन का इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है। अगर नीचे से चले तो सबसे पहले टेलीफोन लाइन्स है, पैरेलल वायर लाइन्स है और फिर कोएक्सियल केबल्स आते हैं। तो अगर इन दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, ठीक है, अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं पैरेलल वायर लाइन, पैरेलल वायर लाइन, और यहाँ पर लिखेंगे कोएक्सियल लाइन, पहले इसी में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको लिखेंगे लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, इसको हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज़ करते हैं, ठीक है, माने अब तो इसको मेगाहर्ट्ज़ जा सकते हैं, अब तो गीगाहर्ट्ज़ चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये अन ये बैलेंस्ड मोड में इस्तेमाल होता है, बैलेंस्ड मोड में इस्तेमाल होता है, और ये जो है अनबैलेंस्ड मोड में ऑपरेट होता है। अनबैलेंस्ड मोड कहेंगे, क्यों कहेंगे, अभी आप लोग को मैंने बताया, क्योंकि पैरेलल वायर लाइन में दोनों कंडक्टर को ग्राउंड से कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ आउटर कंडक्टर को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैपेसिटिव इफेक्ट मिलता है, और भीतर वाले कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के बीच में भीतर में एक कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, तो दोनों कंडक्टर को ग्राउंड से नहीं मिल रहा, इसको अनबैलेंस्ड कहते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है इसमें, याद रखिएगा कि इसमें हाई रेडिएशन लॉस होता है, हाई रेडिएशन लॉस ये देगा, हाई रेडिएशन लॉस एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ की अगर तुलना करें तो, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ पर अगर तुलना करें तो इसमें हाई रेडिएशन लॉस होगा, इसमें लो रेडिएशन लॉस होता है। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि अब ये जो आपका कन्फाइनमेंट होता है, ठीक है, कन्फाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जब इस पर ट्रेवल करेगा, याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, तो उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपका करंट के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जितना कन्फाइन रहेगा, कन्फाइन के लिए कारण इसका शील्डिंग किया जाता है, ये पूरा शील्डेड होता है चारों तरफ से केसिंग से, इससे क्या होता है कि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। लेकिन अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर अगर हम लोग बैलेंस्ड लाइन को इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल वायर लाइन को इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें रेडिएशन लॉस जो है ज़्यादा होगा। रेडिएशन लॉस, रेडिएशन किसको कहते हैं, वो एनर्जी जो केबल को छोड़ के इन्वायरमेंट में प्रोपगेट कर जाएगा उसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन, और वो रेडिएशन मेरे कोई काम का नहीं है तो वो लॉस में आता है। तो पैरेलल वायर लाइन में रेडिएशन लॉस ज़्यादा होता है और कोएक्सियल केबल में रेडिएशन लॉस कम होता है, यही कारण है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर हम लोगों को कोएक्सियल लाइन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ देखिए अब हम लोग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कोएक्सियल लाइन का फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले याद रखिएगा कि द ईएम वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कोएक्सियल लाइन में होता है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लेकिन इसके यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि ये कन्फाइंड होता है, कन्फाइंड का मतलब कि लिमिटेड होता है, ये एक तरह से
ये कन्फाइन रहेगा केबल के भीतर और ये आउटर स्पेस में नहीं होता है। इसके पहले अगर फ्री स्पेस अगर आप लोग ट्रांसमिशन लीजिएगा, जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी होता है लेकिन वो फ्री स्पेस में होता है। तो उसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसका कोई कन्फाइंड मीडियम नहीं है, ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और इसको समझने का यहाँ पर तरीका, मान लीजिए कि जेड डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है मान लीजिए, जिधर इनर्जी आपका ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पर आप इसमें साइनसोइडल वेरिएशंस दिखा सकते हैं क्योंकि साइनसोइडल करंट से ये जाता है, और इसमें एक और इसमें इस तरह से वेरिएशन दिखा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको कि मान लीजिए कि आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब आपको करना क्या है कि किधर भी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपका ई वाई इधर एग्जिस्ट कर रहा है, इधर एच एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, कंबाइन करके इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर सारे लाइंस आपको वर्टिकल दिखा रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड साइनसोइडली वैरी करता है, जिस तरह से साइनसोइडल करेंट का मैग्नीट्यूड जो है वैरी करता है। इसके बाद अगर आप लोग दिखाइएगा तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे इस तरह से। देखिए ये सब लाइन जो है किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाइएगा तब ये बढ़ेगा, यहाँ से हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये जो है फील्ड पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक TEM वेव है, ठीक है ना। TEM वेव का मतलब हो गया कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स का मतलब अक्रॉस होता है। अगर आपका देखिए ये मेरा ये तीनों डायरेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ये अगर जेड डायरेक्शन है, ये अगर जेड डायरेक्शन है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये जो फील्ड है ये किस तरह से प्रोपगेट कर रहा है, ये साइनसोइडली प्रोपगेट करता है किधर, आगे की तरफ। तो ये इनर्जी जो प्रोपगेट हो रहा है किधर हो रहा है, आगे की तरफ, उसको हमने क्या माना है, जेड डायरेक्शन। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें मान ली वर्टिकल माना है, तो ये वर्टिकल रहेगा ये इस एक्सिस पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये दोनों इनर्जी, ये एक्चुअली कोई कंपोनेंट नहीं है, ये दोनों इनर्जी किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो आगे की तरफ देखिए, एक्सिस हमने हटा लिया, ये दोनों इनर्जी आगे की तरफ जा रहा है, उसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं, जहाँ पे ई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ई वाई जो है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, एच के, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं मिलके, और ये दोनों जो है परपेंडिकुलर होंगे किधर, जेड के होंगे, मतलब कि जेड का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, अगर तीनों तीन एक्सिस पर ओरिएंटेड होंगे तो इसका मतलब है कि उसको कहेंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के रिस्पेक्ट में ट्रांसवर्स है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक कंपोनेंट भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के रिस्पेक्ट में ट्रांसवर्स है। इसका मतलब TEM वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट ट्रांसवर्स होते हैं। अब ये देखिए, ये फ्री स्पेस ट्रांसमिशन का है, ये डायग्राम बनाना आसान है, हालांकि ये फील्ड पैटर्न एक बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हमने बताया कि फ्री स्पेस में सबसे आसान होगा। और अगर इसको और अगर कोएक्सियल लाइन के लिए बनाना है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि कन्फाइंड होता है ये इनर्जी जो है इसके आउटर कंडक्टर के और इनर कंडक्टर के बीच में होगा, तो हम इसका लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनाते हैं। देखिए ये आउटवर्ड होगा, इसको रेडियल कहते हैं, रेडियल का मतलब हो गया ये सब रेडियल इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, इस तरह से दिखाएंगे, ये बाहर की तरफ होगा। याद रखिएगा कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बना रहा है, और इसमें फिक्स रखिएगा, इसमें आप लोग चेंज मत करिएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रेडियल होगा। रेडियल का मतलब हो गया कि सेंटर से जब रेडियस खींचते हैं तो 90 डिग्री पर खींचते हैं ना, तो यहाँ से जब ये ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे ये सारे कंपोनेंट इसके किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक टेंजेंट अगर खींचा जाए इस पॉइंट पर तो ये सब जगह पे 90 डिग्री पर आएगा, जो कि प्रॉपर्टी होता है रेडियस का, इसीलिए इनको रेडियल लाइंस कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियल होगा। और इसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम इन टू द पेज, ऐसे मान लीजिए ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है तो एक्चुअल इनर्जी आपका आगे की तरफ प्रोपगेट कर रहा है, तो इसमें अगर हमको दिखाना है
अगर हमको दिखाना है मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको दिखाना है, स्क्रू रूल से दिखाते हैं, स्क्रू को जब आप ऐसे कसिएगा तो आगे की तरफ जाएगा, स्क्रू जब आगे कसिएगा तो जो आगे मूव कर रहा है वो आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, और ऐसे जो है आपका जो एग्जिस्ट करेगा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये दोनों मिला के याद रखिएगा, ये दोनों मिला के याद रखिएगा, ये टी ई एम वेव कहते हैं, ठीक है। टी ई एम वेव कहते हो, टी ई एम वेव किसको कहते हैं, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा और आपस में भी परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग उसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सिंपल तरीका है। परपेंडिकुलर का मतलब अलग होता है, ट्रांसवर्स का मतलब अलग होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री वाले एक्सिस पर ओरिएंटेड होगा, और ट्रांसवर्स का मतलब यही होता है अगर मेरा एनर्जी इधर से मूव कर रहा है तो ये मेरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रॉस। ऐसे अगर जा रहे हैं और ये डायरेक्शन अगर हमको मिल गया तो उसको अक्रॉस कहा जाता है। तो ये डायरेक्शन हो गया और उसका ये फील्ड जो हो गया वो किस एंगल पे है, 90 डिग्री, वही ट्रांसवर्स कहा जाता है। तो इसमें दोनों कंपोनेंट ट्रांसवर्स होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, हम लोग यहाँ देखेंगे ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल लाइन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कोएक्सियल लाइन अगर ऐसे बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए, ए ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट पहले बना देते हैं। इसमें क्या होगा, L होगा, R होगा, और ये जो है यहाँ पर C होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक G होगा, ठीक है। और ये सेक्शन ऑफ लाइन है, एक छोटे से टुकड़े का ये सेक्शन है, इसके पैरामीटर्स जो होते हैं पर यूनिट लेंथ मापते हैं। तो ये एक देखिए, यहाँ पर X है, X डैश है, Y है, Y डैश है, ये पहले भी कंटिन्यू किया, इधर भी कंटिन्यू करेगा, इधर भी कंटिन्यू करेगा, और इधर भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हम बता दें पहले कि ये एक जनरल इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसमिशन लाइन का। अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये किस किस फैक्टर को इसमें इंडिकेट करता है। सबसे पहले मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये एक डेल एल लेंथ के लिए है, ठीक है ना, एक छोटे से सेक्शन के लिए है। और एक अगर ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ तो हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह पर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को कैरी करने के लिए, तो उसका लेंथ पैरामीटर जो है हमेशा वैरी करता है। तो लेंथ पैरामीटर अगर वैरी कर रहा है तो हम उसका जो कैलकुलेशंस करते हैं पर यूनिट लेंथ करते हैं। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि पर मीटर, उसके जो पैरामीटर्स होंगे पर मीटर में डिफाइन किए जाएंगे। और इसी तरह के पैरामीटर्स को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम यहां पर बनाते हैं, यह क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर एल है, यहां पर आर है, ये सी है और ये जी है। अब यहाँ पर एक छोटे से लेंथ के लिए एक छोटा सा सेक्शन है, उसमें कौन कौन सा इफेक्ट होगा, इसी तरह का चार कंपोनेंट का सेक्शन ये इन्फिनिटी तक जाएगा और एकदम शुरुआत से आएगा। ये इधर भी कंटिन्यूड है, आगे भी कंटिन्यूड है, और एक छोटे सेक्शन का इक्विवेलेंट मॉडल हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये इनको प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, एल आर जी एंड सी। यहाँ पर एल आर सी और जी जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स। प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स का मतलब है कि यही कांस्टेंट्स एक्चुअली आगे जाके ट्रांसमिशन लाइन के बहुत सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स और क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जब लाइन बनेगा तो सारे उसके प्राइमरी कांस्टेंट जो है कैलकुलेट किए जाते हैं, प्राथमिक हो गया, एकदम शुरुआती कांस्टेंट। जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा तो प्राइमरी लाइन कांस्टेंट जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करने लगेगा और उसी से उसका सारा प्रॉपर्टी डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, अब देखिए ये जो प्राइमरी लाइन कांस्टेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होते हैं। इसको यहाँ पर लिखिएगा, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स।
ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स का मतलब अभी आप लोग को तुरंत बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए कि यहाँ पर L किसको इंडिकेट कर रहा है। L याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई इंडक्टर नहीं है कनेक्टेड, या R नहीं है, ये इफेक्ट है उसका। अगर इस केबल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो वो L से इंडिकेट किया जाएगा। अगर इसमें रेसिस्टिव इफेक्ट होगा तो R से इंडिकेट करेंगे। अगर इसमें कैपेसिटिव इफेक्ट होगा तो C से इंडिकेट करेंगे। और इसमें अगर कंडक्टेंस का इफेक्ट होगा तो G से इंडिकेट करेंगे। और ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, L जो इंडिकेट करता है, आप लोग को पता है कि किसी भी वायर में अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट के बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा करंट पास कर रहा है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। उसी इंडक्टिव इफेक्ट को यहाँ पर हमको, ये हर एक वायर में होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर आप लोग जो घर में सप्लाई यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज वाला, उसमें भी करंट होगा, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है, उसका डिज़ाइन में एप्लीकेशन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसी कारण से हम लोग वहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जैसा कि कम्युनिकेशन में होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में होता है, तो जब आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप इन क्वांटिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ L क्या इंडिकेट कर रहा है, L इंडिकेट कर रहा है इंडक्टेंस इफेक्ट। इसको लिखिएगा, ये इंडक्टेंस पर मीटर होता है, इंडक्टेंस पर मीटर होगा, ठीक है, इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। तो हेनरी पर मीटर याद रखिएगा कि अगर लंप्ड एलिमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट वर्ड है लंप्ड एलिमेंट। जो हम लोग सर्किट में आप क्वाइल बनाते हैं वो लंप्ड एलिमेंट है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी है अपने साइज में निहित है, उतने ही तक लिमिटेड है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आप लोग को मैंने बताया कि ये आपको माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ वहाँ बटा हुआ है, लेंथ पर बटा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का खास पहचान क्या है कि इसका यूनिट जो है, देखिए, हेनरी पर मीटर में मापते हैं, जबकि आप लोगों को पता होगा कि इंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका यूनिट है हेनरी। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड में आइएगा तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर क्यों करते हैं बोलिए, अगर मान लीजिए कि ये कहता क्या है कि 1 मिली हेनरी पर मीटर है, तो देन 1 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर पे करने के लिए उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर 1 मीटर पर अगर 1 मिली हेनरी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1000 मीटर अगर होगा तो 1000 मिली हेनरी हो जाएगा। 1000 मिली हेनरी का मतलब है कि पर किलोमीटर 1 हेनरी का ये इंडक्टिव इफेक्ट देगा। यही कारण है कि चूंकि हमारा ट्रांसमिशन लाइन लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो पूरा लेंथ का हम नहीं ना मापेंगे, हम क्या करेंगे कि उसका यूनिट साइज का माप लेंगे, और 1 यूनिट साइज का माप के पर मीटर उसको माप लेंगे, पर मीटर को डिफाइन कर देंगे। और जब हमको जितना मीटर के लिए कैलकुलेट करना होगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अब वो कोएक्सियल केबल, अब वो 1 किलोमीटर बिछा हुआ है या 200 मीटर बिछा हुआ है या 300 मीटर बिछाना है, ये तो सब जगह वैरी करेगा। ये पर मीटर उसको डिफाइन करेंगे तो हर जगह टोटल डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह से, और ये हमने बताया कि ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी इंडक्शन इफेक्ट के कारण इसको इंडक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं और इसके बारे में बताएंगे। आर यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, आर आपका होगा रेसिस्टेंस, ये आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, इसको हटाइए, ये हो गया आपका हेनरी पर मीटर में, और ये क्या होगा, ओम पर मीटर में होगा रेसिस्टेंस इसका। अब रेसिस्टेंस बताइए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है कंडक्टर का R बराबर रो एल बाई ए। तो एक काम करिए, ट्रांसमिशन लाइन जब आप बनाइएगा, ट्रांसमिशन लाइन जब बनाइएगा तो ये बताइए, एरिया तो कॉन्स्टेंट होगा, मटेरियल भी कॉन्स्टेंट होगा, तो रो भी कॉन्स्टेंट है, तो वैरी क्या करेगा आपका, ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ लेंथ ही वैरी करेगा ना। तो लेंथ वैरी करने का मतलब क्या हो गया कि हमको यहाँ पर लेंथ जितना ज़्यादा होगा इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर तो ज़्यादा लेंथ, ये कोई सर्किट तो है नहीं, ये कोई पीसीबी नहीं ना कि छोटा छोटा वहाँ पर वायर लगाए, ये तो ट्रांसमिशन लाइन है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा जहाँ पर सैकड़ों मीटर इसका लेंथ हो सकता है, और सैकड़ों मीटर लेंथ होगा
तो ये एल का इफेक्ट आर पे काफ़ी पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसी तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के फॉर्म में ओम पर मीटर डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी अभी आप लोगों ने बताया कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो दो कंडक्टर होता है और बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, तो एक कंडक्टर एक प्लेट का काम कर रहा है, एक कंडक्टर एक प्लेट का काम कर रहा है। किसी भी समय मान लीजिए, चूंकि इसका तो पोलरिटी बदलता रहता है, लेकिन किसी भी समय एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक कंडक्टर पॉजिटिव होगा और एक कंडक्टर निगेटिव होगा, और बीच में आपका क्या है, तो बीच में प्लास्टिक है जो डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। तो ये बताइए कि दो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके बीच में कैसा इफेक्ट हो गया, इसके बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। यह हमेशा होता है इंजीनियरिंग में कि जब भी दो कहीं पर भी स्ट्रक्चर, कैपेसिटर नहीं देखना है, कैपेसिटेंस इफेक्ट देखना है। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट का मतलब है कि जब भी दो कंडक्टर अगल बगल आएंगे, ठीक है, अगल बगल आएंगे तो उनके बीच में, और बीच में एयर होगा, डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक होगा, कुछ भी होगा, तो उनके बीच उनका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा उसमें एक कैपेसिटिव इफेक्ट होगा। वो कैपेसिटिव इफेक्ट फिर हाई फ्रिक्वेंसी पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में उसको इग्नोर नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं ये आप लोग को बताएंगे। तो ये जो है आपका दो कंडक्टर हो गया, बीच में डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो इसको कैपेसिटेंस इफेक्ट से दिखाते हैं। और यहाँ पर जी में अब क्या दिखाते हैं, देखिए, तो ये कैपेसिटेंस हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बोलिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, और इसको हम लोग फेराइड पर मीटर में डिफाइन करेंगे। और लास्ट में हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस याद करिए कि कंडक्टेंस का अलग से सिंबल तो होता नहीं है, सिंबल तो रेसिस्टेंस का है, लेकिन कंडक्टेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि इसका संबंध सही में कंडक्टेंस से है। ये कंडक्टेंस क्या शो करता है, ये लीकेज कंडक्टेंस है। लीकेज कंडक्टेंस अगर इसको सही फॉर्म में डिफाइन किया जाए, और ये होता है आपका साइमन पर मीटर, जो कंडक्टेंस का यूनिट है महो या साइमन कहते हैं, तो ये साइमन पर मीटर हो गया। अब ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो कंडक्टर है और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो इनके इनके बीच में रेसिस्टेंस आप कितना सेट किए हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि इस वायर से इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, जीरो, उसमें कोई करंट नहीं है क्योंकि बीच में क्या मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक आपका परफेक्ट इंसुलेटर नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर आपका परफेक्ट इंसुलेटर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें से एक लीकेज करंट पास करेगा, और लीकेज करंट अगर पास कर रहा है तो क्या हो गया, कंडक्टिव इफेक्ट हो गया, और लीकेज करंट है, इसीलिए इस कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं लीकेज कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं लीकेज कंडक्टेंस। तो इस चीज़ को याद रखना है कि ये लीकेज कंडक्टेंस है। यही कारण है कि इसको आर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको जी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर आर इन्फाइनाइट होना था, इसका आर इन्फाइनाइट होना चाहिए था, लेकिन आर अगर इन्फाइनाइट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कंडक्टेंस है, और वो थोड़ा कंडक्टेंस लीकेज कंडक्टेंस है, और इसीलिए इसको जी के फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये हो गए आपके प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक कोएक्सियल लाइन। अभी एक ट्रांसमिशन लाइन का हमने बताया है, कोएक्सियल लाइन अब इसमें देखिए क्या करना है। कोएक्सियल लाइन के लिए क्या करेंगे कि अभी हमारा टॉपिक जो है कोएक्सियल लाइन पर शिफ्ट होगा। ये मान लीजिए कि पैरेलल वायर टेलीफोन ट्रांसमिशन लाइन का है टॉपिक ये। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि कोएक्सियल लाइन आपका इसमें क्या करना है। कोएक्सियल लाइंस आर यूज्ड एट हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, हायर फ्रीक्वेंसीज, ये तो पता है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि एफ यहाँ पर क्या है, काफ़ी बड़ा है, एफ यहाँ पर इंक्रीज कर गया है। अब थोड़ा कैलकुलेट करिए, आप लोग को याद होगा कि एक्स एल बोलते हैं, एक्स एल होता है, एक्स एल का मतलब हो गया रिएक्टेंस बोलते हैं, और रिएक्टेंस बराबर होता है ओमेगा गुना एल ओम होगा, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस ये होता है तो देयर फोर हायर फ्रीक्वेंसी पर देखिए, ओमेगा अगर हाई होगा तो एक्स काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्स एल बराबर ओमेगा एल विल बी मच मच ग्रेटर देन आर, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट भी ओम होता है, इसका यूनिट भी ओम होता है, रिएक्टेंस का यूनिट जो है ओम होता है। तो देखिए कोएक्सियल लाइन आर यूज्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका बहुत बढ़ रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी कोएक्सियल लाइन के लिए चला जाएगा गीगाहर्ट्ज में, और गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि 10^9 हर्ट्ज के रेंज में चला जाएगा। और अगर ये 10^9 हर्ट्ज के रेंज में आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी चला गया है, तो
तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका रिएक्टेंस जो होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इफेक्ट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि R नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एक तो ये काम कर रहा है, देयरफॉर R इज नेग्लेक्टेड, एक तो ये काम करना है तो नेग्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से R हटा देना है, इसमें खाली L बचेगा। अब ये टॉपिक हम हटा देते हैं, ये टॉपिक किसका हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कोएक्सियल लाइन हो गया। और भी एक देखिए, इसका भी लेते हैं, तो ये पहला हो गया। दूसरा में देखिए, यहाँ पर कंडक्टेंस है, तो याद रखिएगा कि एक्स सी बराबर, ये भी रिएक्टेंस होता है, और इसका रिएक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, 1/ωc होगा। तो देयरफॉर रिएक्टेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस, क्या होगा, ससेप्टेंस होता है। तो ससेप्टेंस का मतलब कि ये भी एक तरह का, जैसे रेसिस्टेंस होता है तो रिएक्टेंस होता है, और तो उसी तरह से कंडक्टेंस जब होता है, कंडक्टेंस जहाँ पे होगा वहाँ ससेप्टेंस होता है, तो रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ससेप्टेंस होता है, ये 1/xc होता है, और ये ओमेगा सी होता है। ओमेगा सी विल बी, है ना, मच मच ग्रेटर देन जी, क्योंकि देखिए अगर ये ससेप्टेंस है 1/xc है, ठीक है ना, तो 1/xc का मतलब ओमेगा सी हो जाएगा, और ओमेगा चूंकि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब ससेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, किससे, लीकेज कंडक्टेंस से। लीकेज कंडक्टेंस का यूनिट भी साइमन होता है और ससेप्टेंस का यूनिट भी साइमन होता है, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको भी इग्नोर करना है। तो जी अगर कंडक्टेंस अगर बहुत कम है, ये बताइए, अगर ये कंडक्टेंस बहुत कम है तो इसका मतलब जीरो हो गया, और कंडक्टेंस अगर जीरो हो गया तो क्या, बताइए, शॉर्ट सर्किट करिएगा कि ओपन सर्किट। आप लोग फिर से देखिए कि यहाँ पर ये ओमेगा सी, ये ससेप्टेंस रहेगा, एक्स सी रहेगा, लेकिन यहाँ पर हटेगा कौन, जी हटेगा, और जी बहुत छोटा है, कंडक्टेंस बहुत छोटा है, कंडक्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब कि रेसिस्टेंस इन्फाइनाइट है। रेसिस्टेंस इन्फाइनाइट होने का मतलब कि इसको आपको हटा देना है, और यही हो गया आपका, यही इक्विवेलेंट सर्किट होता है कोएक्सियल लाइन का। कोएक्सियल लाइन के लिए R और G को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होता है, और कैपेसिटिव ससेप्टेंस कंडक्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये ऐसा कि कैपेसिटिव कंडक्टेंस वो ये एक्चुअल कंडक्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसे कंडक्टेंस बोलते नहीं है। कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज मच हायर देन द कंडक्टेंस, सो द कंडक्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। और कंडक्टेंस अगर बहुत कम है ससेप्टेंस के केस में, इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको उसको ओपन सर्किट से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इन्फाइनाइट शो कर रहा है, इसको ध्यान से सोचिएगा। तो ये हो गया। तो जब आप कोएक्सियल लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाइएगा, या हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी कहिए कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट दिखाइएगा, तो यही आपका एल और सी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स एल और सी किस पर डिपेंड करता है। अब देखिए कहाँ से निकला, हमने फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बताया था कोएक्सियल लाइन का, आपको प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट बता दिए एल और सी, ये वही है हेनरी पर मीटर, फैराड पर मीटर। और इसके बाद हम लोग करते क्या कि अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है देखिए, प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स में एल होता है आपका म्यू बाई 2π, ठीक है, लॉग ई बेस पर डी बाई डी, ये हो गया, और इसको हम लोग लिखेंगे हेनरी पर मीटर में। और कैपेसिटेंस जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, ये 2π εϵ, और ये पूरा जो लॉग है इसको डिनोमिनेटर में ले आना है डी बाई डी, और ये फेराड पर मीटर होगा। ये इसका फॉर्मूला है प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स ऑफ कोएक्सियल लाइन, वही चल रहा है। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू होता है आपका परमिएबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो उसमें इस यूज करिएगा, बताए थे ना कोएक्सियल केबल में, और ये इक्वल्स होता है म्यू इक्वल्स म्यू नॉट होगा म्यू आर होगा, ठीक है। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, तो ये आपका परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है ना, अनबाउंडेड स्पेस में फ्री स्पेस होगा, बाउंडेड स्पेस में वैक्यूम कहते हैं।
दोनों का मतलब वही होता है, वैक्यूम का मतलब है एक ऐसा स्पेस जहाँ पर कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, है ना, उससे वो इवैक्यूएटेड है, और वही स्ट्रक्चर जब फ्री स्पेस में होगा तो ये आइडियल स्पेस है। जैसे हमारा अर्थ का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से भी बाहर चले जाइए, कहे कि वायुमंडल में सारे गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन वायुमंडल से जब बाहर जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ निर्वात है, वहाँ पर कुछ नहीं है, उसको हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं, उसका भी वैक्यूम वाला नेचर ही है। लेकिन वैक्यूम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ बाउंडेड स्पेस होगा। मान लीजिए कि हमने एक प्लास्टिक का चैम्बर बनाया, जैसे आप लोग ग्लास बल्ब देखते होंगे, तो ग्लास बल्ब क्या होता है, ग्लास बल्ब के भीतर सारा जो है, जो टंगस्टन बल्ब देखते हैं उसके सारा एयर जो है निकाला रहता है, तो अपने आप में क्या है, भीतर में वैक्यूम है। लेकिन कम्युनिकेशन में जब आइएगा तो फ्री स्पेस भी कहिएगा, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस, और ये आपका होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और म्यू आर यहाँ पर क्या है, तो यह रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होगा, और ये भी जो होगा म्यू जो होगा आपका, ये भी हेनरी पर मीटर में होगा, ये भी हेनरी पर मीटर है। उसी तरह से एप्सिलॉन, और ये बता दें, और यहाँ पर देख लीजिए पहला है, दूसरा क्या है, एप्सिलॉन क्या है, तो इसको परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, परमिटिव, और इसका भी वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट फिर वही है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम और फ्री स्पेस होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू होगा 1/36π × 10⁻⁹ फैराड पर मीटर, और नहीं तो 8 point something होगा, देखिएगा इसको कैलकुलेट करके भी लिखा जाता है, लेकिन ये वैल्यू याद रखिए ये पाई में है, इसका भी पाई में लिखा गया है। और एप्सिलॉन आर जो है ये आपका रिलेटिव, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं, वहाँ से आता है। तो ये सब फंडामेंटल्स इसमें इस्तेमाल करना है। और कैपिटल डी आपका क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर है, हमने कोएक्सियल केबल में दिखाया था टोटल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, और क्या है ये इंटरनल, है ना, इंटरनल कंडक्टर, कंडक्टर का डायमीटर है, यही इसमें चार पैरामीटर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। तो इस फॉर्मूला से आप उसका प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हैं, और प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हैं तो हम बताते हैं आप लोगों को कि आगे क्या होगा। इसमें आगे आप क्या कर सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको सेकेंडरी पैरामीटर कहते हैं। तो सेकेंडरी लाइन कॉन्स्टेंट्स जो होगा, सेकेंडरी लाइन कॉन्स्टेंट जो होगा, इसमें आता है पहला कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस, इसको जेड नॉट इंडिकेट करते हैं, यह होता है आपका अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल बाई जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करिए, आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देयरफॉर फॉर कोएक्सियल लाइन, फॉर कोएक्सियल लाइन, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, जेड नॉट बराबर सिंपली हो जाएगा, आर और जी को इग्नोर करिएगा तो यह अंडर रूट एल बाई सी बचेगा, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर और जी यहाँ से हटाइएगा, जे ओमेगा सी के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी कम था, इसके रिस्पेक्ट में ये भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो जब इसका मॉडुलस लेंगे तो वहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर कट गया है तो ये ओमेगा स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये निकलेगा कितना आपका, अंडर रूट एल बाई सी निकल जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस है कोएक्सियल लाइन का, चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल करते हैं इसको यूज़ करेंगे। और दूसरा होता है आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट को गामा से इंडिकेट करते हैं, ये इसी का होता है आर प्लस जे ओमेगा एल, और ये होता है जी प्लस जे ओमेगा सी। अगर इसको आप लोग ये सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो आर और जी को तो इग्नोर किया गया है तो यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी हो गया,
और जे आपका बाहर आ जाएगा और ओमेगा बाहर होगा, अंडर रूट एल सी बचेगा। तो अगर हमको प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो ये जे आपका हो गया, ओमेगा भी बाहर आ गया, अंडर रूट एल सी बचेगा। ये आपका हो गया प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट हो गया किसका, तो हो गया कोएक्सियल लाइन का। यही कोएक्सियल लाइन का मतलब, इसीलिए हमने कहा था कि क्यों प्राइमरी लाइन कॉन्स्टेंट्स को निकालना जरूरी है। यही वो लाइन है जिसका हम लोग माइक्रोवेव पर इस्तेमाल, ये पहला कोएक्सियल लाइन है, ये पहला ट्रांसमिशन लाइन है जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल होता है। और इसके बाद और भी हाई परफॉर्मेंस वाले लाइन्स है, अभी लो फ्रीक्वेंसी से हम लोग चल रहे हैं। माइक्रोवेव का मतलब है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़, तो इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मात्र कहाँ तक है, 18 गीगाहर्ट्ज़ तक है। अभी 18 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर भी चलना है, ठीक है, क्योंकि इसके भी अपने लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। लिमिटेशंस का सिंपल मतलब है कि बहुत ज़्यादा 18 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर लॉसेज जो है इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्लस पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी उसका उतना ज़्यादा नहीं है। पावर हैंडलिंग का मतलब है कि ट्रांसमिटिंग पावर अगर आपका किलोवाट में हो, सेवरल हंड्रेड किलोवाट में हो, तो मान लीजिए सेवरल हंड्रेड किलोवाट में माइक्रोवेव पावर है और उसको कैरी करना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी गीगाहर्ट्ज़ में चली गई है, तो उसके लिए हम कौन सा मीडिया जो है उसके लिए यूज़ करेंगे, और उस मीडिया का नाम है, याद रखिएगा, वेव गाइड। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक होगा अगले वीडियो लेक्चर में वेव गाइड। तो वेव गाइड्स क्या हैं, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को कैरी करने वाले ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, लेकिन उनको ट्रांसमिशन लाइन नहीं कहते, उनको वेव गाइड कहते हैं। वेव गाइड क्यों कहते हैं ये आपको उस लेक्चर में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास, और आप लोग हमारे अकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारा लाइक करें, और इसी तरह से अपना प्यार हम लोगों को देते रहे, और हम आप लोगों के लिए और नए नए लेक्चर्स बनाएंगे। चलिए अगले लेक्चर्स में हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। टॉपिक हमारा होगा वेव गाइड।